झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की नई कार्यकारिणी के लिए आज रविवार को गुरु नानक स्कूल में मतदान चल रहा है। लगभग सुबह से ही मतदान शुरू है और देर शाम 7 बजे तक मतदान यूं ही चलता रहेगा। रात में इसकी घोषणा कर दी जाएगी रिजल्ट की। मतदाता किन मुद्दों को लेकर आज वोटिंग कर रहे हैं और कैंडिडेट से क्या मुद्दे हैं, ये हमने उनसे ही जाना। देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, ये चैम्बर चुनाव हर वर्ष होता है और ये व्यापारी माहौल होता है, एक महोत्सव के ऊपर के तरह मनाया जाता है और इसमें से जो लोग चुन के आते हैं, 21 लोग, वो अपना पदाधिकारी फिर चुनते हैं। मैं इस चुनाव में खड़े हुए सारे 35 लोगों को मैं बधाई देता हूं। साथ में इस बार ट्राइबल भी महिला और पुरुष इस चुनाव में भाग लिए हैं। ये एक तरह से बदलता हुआ चैम्बर दिख रहा है जो तारीफ़ काबिल है। मेरा नाम आस्था किरण है, डॉक्टर आस्था किरण। मेरा सीरियल नंबर 6 है। मैं इस चुनाव में FGCCI के इस चुनाव में खड़ी हुई हूँ निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में। इस चुनाव में हमारा ये मुद्दा है कि चैम्बर में महिलाओं की उपस्थिति बढ़े। और क्यों बढ़े, उसमें है कि कुटीर उद्योग जो MSME से प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जेम पोर्टल से रिलेटेड जो भी उनको परेशानियां आती हैं अपने बिजनेस में करने के लिए, उनको एक गाइडलाइंस नहीं मिलता है। तो उस गाइडलाइंस के लिए हम लोग एक सपोर्ट सिस्टम बनना चाहते हैं और चैम्बर का एक ऐसा बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, एक ऐसा मंच है जिसके तहत हम लोग इन महिलाओं को कहीं ना कहीं उनकी कठिनाइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। मैं पिछले 15 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ। इस बार क्या मुद्दा है? इस बार हमारा मुद्दा है कि व्यापारियों को व्यापार करने में जो भी परेशानियां आती है, हमारा मुख्य कृषि शुल्क जो सरकार लगाना चाहती है वो नहीं लगे, उसके लिए हम लोग हर लेवल पे लड़ाई करेंगे और वो नहीं लगना चाहिए और ना लगने देंगे। सेकेंडरी, आज के दिन में हम लोग का जितना भी व्यापारियों के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर का समस्या हो रहा है, उसके ऊपर हम लोग मुख्य प्राथमिकता है कि लॉ एंड ऑर्डर के समस्या को दूर करें। आज चुनाव है, 2 टीम है 3 टीम है, लेकिन 21 लोग जीतेंगे, उसके बाद सब एक हो जाएंगे और सब मिल के काम करेंगे। शुक्रिया, अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम शैलेश अग्रवाल है और मैं लास्ट 2 साल से चैम्बर में ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। धन्यवाद। मुद्दे यही थे कि जो ये संस्था है फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये व्यापारियों की संस्था है। इससे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि ये व्यापारियों की जितनी भी उठती हैं समस्याएं या सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं होती हैं उनको सफल बनाने में ये प्लेटफॉर्म बहुत काम करती है। आई डोंट बिलीव इन महिला एंड पुरुष, व्यापारी व्यापारी है, वो चाहे पुरुष रहे या महिला रहे। और मैं तो चाहूँगी जो भी मेहनत करते हैं वो पुरुष रहे या महिलाएँ, वो आगे आएँ और जिनमें टैलेंट है या फिर जिनकी मेहनत उतनी अच्छी है कि दूसरे को कम्पीट कर सके या दूसरों के लिए कुछ काम कर सके, उन्हें सक्षम बनाना चाहिए और उन्हें आगे लाना ही चाहिए, आइदर मेल और फीमेल। मेरे में जेंडर सेग्रीगेशन या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ओके, आप अपना परिचय दीजिएगा प्लीज। जी, मैं ज्योति कुमारी टीम परेश से खड़ी हूँ, सीरियल नंबर 9 हूँ, वोटर भी हूँ। थैंक यू सर। अपना नाम बताइए। मेरा नाम जुगल किशोर अग्रवाल है। आज वोटिंग चल रहा है चैम्बर का, बहुत बड़ा चुनाव है, व्यापारी वर्ग प्रभावित होता है, क्या मुद्दों पे आपने वोट किया? नहीं, वोट तो सभी को देना चाहिए, चैम्बर के लोगों को वोट देना ही व्यापार की शक्ति के लिए, अपनी मजबूती के लिए, चैम्बर की मजबूती के लिए सभी व्यापारियों को वोट देना चाहिए और वोट देना ही हमारी एकता, हमारी शक्ति बढ़ेगी। और सरकार जो है, जो भी सरकार आती है वो चैम्बर ही अगर शक्तिशाली बनेगा तो जो हमारे झारखंड की समस्याएँ हैं, हम चैम्बर के लोग उस समस्या से सरकार से मांग करेंगे, लड़ेंगे। अगर मेरी शक्ति मजबूत होगी, हमारे लोग चुन कर अच्छे आएंगे, तो हम झारखंड की समस्याओं से भी सरकार का ध्यान खींचेंगे। हर साल चैम्बर में चुनाव होता है, इस बार किन मुद्दों पर आप लोग वोट कर रहे हैं? इस बार में किस मुद्दों पर? मुद्दा क्या कहें, चैम्बर चुनाव होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई कुछ कार्य करते रहे वो सबसे बड़ा मुद्दा है। सब चैम्बर चुनाव होने से क्या होगा, कुछ कार्य भी करना चाहिए सब मेंबर लोग को। साल बीत जाता है, ऐसे समय पार होते रहता है, सबको चुनाव लड़ने का बहुत शौक़ है, करने का किसी को कोई शौक़ नहीं है। मेरा एक ही मुद्दा है, कुछ कर दिखाने, कुछ करना चाहिए, खाली चुनाव लड़ने के लिए नहीं होता, बस चुनाव में कुछ करिए। बहुत से कार्य रुके हुए हैं, मतलब बहुत से कार्य के बारे में डिटेल तो क्या आपको बताऊँ, लेकिन
जैसे रांची शहर के बारे में एक ट्रैफिक जाम बहुत बड़ी समस्या है जिसको आज तक कहीं कोई पूरा नहीं ठीक कर पा रहा है, ना कुछ चैम्बर वाले कुछ कर पा रहे हैं। कहीं अपर बाजार एरिया में हर घर में पानी घुस जा रहा है, रोड जो है नाली ऊपर बन गई है, रोड नीचे हो गया, हर घर में पानी भर गया, आम समस्या रांची बाजार समिति पंडरा में कोई मूलभूत सुविधा ही नहीं है, ना वहाँ रोड है, मिलेंगे MD से और कार करवाएं, ना वहाँ शौचालय टॉयलेट की व्यवस्था कुछ नहीं है, लाइट्स नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, रोड्स नहीं है, क्या है पंडरा में कुछ नहीं है, ढंग की पार्किंग नहीं है, जो पार्किंग उस सब में दुकानें बन गई, सब अधिवेशन में हो गया, तो उसको सुधारना पड़ेगा ना, इन लोगों कोई आगे आएंगे तभी तो सुधरेगा ना भैया। एक सबसे अहम मुद्दा है रांची का, जो मैंने अभी दोबारा कहा, ट्रैफिक जाम हर चौक चौराहे पे, टेम्पो वाले थे पूरा रांची परेशान है, जिसका कोई समस्या का समाधान निकले, हर 500 मीटर 300 मीटर चौराहा से टेम्पो दूर है, हर चौक हर जहाँ जिस चौक पे जाइए सब टेम्पो वाला है, पूरा रांची शहर जाम है। रोड तो चौड़ी कुछ हो नहीं रही 50 वर्षों में, अभी नए पुल पुलिया बन रहे हैं, नए कुछ बनेंगे तब कुछ ट्रैफिक लोड कम होगा, लेकिन अगर इसके लिए चैम्बर वाले को मिल के कुछ करना चाहिए, कम से जाम रांची जाम मुक्त हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है रांची के। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। मेरा परिचय, मैं विजय कुमार जैन, मैं बिल्डर का, मेरा स्टेशनरी की शॉप है, रांची के रहने वाला हूँ। विकास कुमार सिंघानिया, पंडरा बाजार सर्कल मेरी दुकान है।